दोस्तों मैं जितेंद्र टेकफोन से बोल रहा हूं। दोस्तों ये है वीवो का नेक्स्ट स्मार्टफोन जो कि 19 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है इंडिया की मार्केट में। ये दोस्तों आपको शायद याद होगा कि ये फ़ोन ऑलरेडी इसका अनवीलिंग हो चुकी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन इंडिया में ये 19 जुलाई को लॉन्च होगा। दोस्तों ये वीवो की नेक्स्ट सीरीज़ है और ये बहुत ही इनोवेटिव स्मार्टफोन है। इसमें दोस्तों मैं अभी तो इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको कुछ इसके सेलेंट फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों ये वीवो का फर्स्ट स्मार्टफोन है जो कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ आता है। ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है ये। और दोस्तों इसमें बहुत ही इनोवेटिव फ्रंट कैमरा दिया गया है जिसको कि वीवो एलिवेटिंग फ्रंट कैमरा बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉपअप कैमरा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आगे से पॉपअप हो जाएगा। इसकी डेमोस्ट्रेशन दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जब मैं इसकी फर्स्ट इंप्रेशन के सेक्शन में आऊँगा इस वीडियो में। और इसमें दोस्तों अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है 6.59 इंच का, इसमें कोई नॉच नहीं दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है इसमें। और ये दोस्तों 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और बहुत ही इसमें पावरफुल दोस्तों 4000 mAh की बैटरी लगी हुई है। तो दोस्तों अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल सील्ड बॉक्स है और कंपनी ने मेरे को दिया है इसको रिव्यू करने के लिए। और तो मैं अब नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, इसमें देख लेते हैं कि आपको इस बॉक्स में फ़ोन के अलावा क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने अब इसको इस सील को ब्रेक कर दिया है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। और ये फीचर दोस्तों वीवो ने अपने X21 स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस किया था और ये और एडवांस्ड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके बारे में भी मैं दोस्तों आपसे बाद में बात करूंगा। और ये देखिए जब आप बॉक्स को खोलेंगे दोस्तों तो आपको सबसे ऊपर दोस्तों मिलेगा फ़ोन, ये देखिए, और इसके नीचे दोस्तों अभी इसको खोल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये तो इसके ऊपर तो दोस्तों फोन था और साइड पे दोस्तों इसके और एक्सेसरीज हैं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये दोस्तों ईयरफोन्स हैं, ये अडेप्टर है चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए। और ये दोस्तों इसका कवर है पीछे का कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये सिम इंजेक्टर पिन है और ये डॉक्यूमेंटेशन है इसमें। और ये दोस्तों आपको मिलेगा चार्जिंग केबल। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको इस बॉक्स में मिलेंगी इस फ़ोन के अलावा। ये इसका दोस्तों आपको साइड से खोलना पड़ेगा इस एक्सेसरीज़ को निकालने के लिए। तो दोस्तों अब मैं इस फ़ोन को बूट करके आपको इसके कुछ सेलियंट फीचर्स के बारे में बताऊंगा और इसमें जो मेरा इस फ़ोन के बारे में क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं जितेंद्र टेकफोन से बोल रहा हूं। दोस्तों ये है वीवो का वीवो नेक्स्ट स्मार्टफोन जो कि आज इंडिया की मार्केट में दोस्तों लॉन्च हुआ है। दोस्तों ये फ़ोन भी इन डेप्थ फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये जो स्कैनर है बिल्कुल डिस्प्ले के ऊपर दिया हुआ है। और दोस्तों आपको शायद ध्यान होगा कि ये इन डेप्थ फिंगरप्रिंट स्कैनर लाने वाली कंपनी वीवो फर्स्ट है और इन्होंने ये जो ऑन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो वीवो X21 पे लॉन्च किया था, जिसका शायद आपने मेरा रिव्यू भी देखा होगा वीडियो पे भी और टेक्स्ट में भी मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों जो इस फ़ोन की और विशेषता ये है कि इसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले है, बहुत ही टीनी बीजल्स आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं नीचे बहुत कम बीजल दिए गए हैं, ऊपर बहुत कम दिए गए हैं, साइड पे तो ना के बराबर है। और ये काफ़ी ह्यूज डिस्प्ले है इसकी, 6.59 इंच का डिस्प्ले है। और दोस्तों एक चीज़ आपने और भी ऑब्जर्व की होगी इस फ़ोन में कि इसमें ना अपन नॉच का डिज़ाइन नहीं मिलेगा, इसमें नॉच को ख़त्म कर दिया गया है और कुछ लोगों को नॉच का डिज़ाइन पसंद नहीं आता था, इसलिए वीवो ये जो फ़ोन लेकर आया है विदाउट नॉच लेकर आया है। और दोस्तों जो इसमें एक और जो इनोवेटिव आपको दोस्तों जो चीज़ मिलेगी
वो है इसका दोस्तों जो इसका फ्रंट कैमरा है, आपको कहीं भी फ्रंट कैमरा नज़र नहीं आएगा। और फ्रंट कैमरा दोस्तों हिडन है इसमें, मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। अब ये जो फ्रंट में आप करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों, जब आप इसको प्रेस करेंगे तब आएगा। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको फिर इसको फ्रंट कैमरा को ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो चीज़ है दोस्तों ये निकल कर आती है। और ये स्टेपर मोटर के ऊपर दोस्तों ये मैकेनिज़्म है, ये देखिए, और विद इन सेकेंड्स, लेस देन टू सेकेंड्स ये पॉपअप हो रही है। ये देखिए एक बार फिर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने प्रेस किया और ये आ गया। क्योंकि इस पर आपको पॉपअप फ्रंट कैमरा दिया गया है, इसलिए दोस्तों इसमें आपको फेशियल रिकॉग्निशन फीचर का इसमें नहीं दिया गया है। और लेकिन इसमें दोस्तों जो बहुत ही पावरफुल फीचर है इन डिस्प्ले स्कैनर का, उस वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही फास्ट है, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके और डिज़ाइन की। तो जब दोस्तों आप पीछे जब जाएंगे, जो दोस्तों इसका ब्लैक जो इसका बैक पैनल है ग्लास का है, यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन है इसका। और ये जो ग्लास पैनल है दोस्तों, इस पर जो सरफेस है दोस्तों, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं डॉटेड है, और ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी कर रहा है जैसे जैसे इस पर लाइट पड़ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये LED लाइट पड़ रही है, तो ये आपको रिफ्लेक्शन देगा। और नेक्स्ट की ब्रांडिंग है, और जो इसके दोस्तों एजेस हैं वो कर्व्ड हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो इसमें दोस्तों आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा, वर्टिकली जो फिटेड कैमराज है, नीचे डुअल LED फ्लैश है। और राइट हैंड साइड पे दोस्तों आपको मिलेगा पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स। और लेफ्ट हैंड साइड पे दोस्तों ये आपको जोवी का बटन है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा अपने रिव्यू में। ये स्मार्ट असिस्टेंस के लिए है। और नीचे दोस्तों USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगी, स्पीकर ग्रिल है। और ऊपर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये पॉपअप के लिए रखा गया है, ये पॉपअप कैमरा का, ये यहाँ से कैमरा निकलेगा जैसा कि अभी मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट करके बताया। ये हेडफोन जैक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी दोस्तों इस फ़ोन में। देखिए फ़ोन का जो डिस्प्ले है दोस्तों 6.59 इंच का है, और फुल HD सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है, जिसकी रेजोल्यूशन है दोस्तों 2316x1080 पिक्सल्स। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है 19:3:9, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है दोस्तों 91.24%। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों ये आपको मीडिया कंटेंट के लिए दोस्तों और गेमिंग के लिए बहुत ही आइडियल फ़ोन है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके और फीचर्स की। और दोस्तों इस फ़ोन जो ये फ़ोन को चलाता है बहुत ही पावरफुल और लेटेस्ट दोस्तों आपको इसमें प्रोसेसर दिया गया है, ये देखिए। और इसमें दोस्तों आपको मिलेगा 2.8 GHz का स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। और दोस्तों ये रियल डाटा है, Core 1, Core 2, Core 3, Core 4। और इसके साथ दोस्तों आपको गेमिंग के लिए भी इसमें बहुत बड़ा प्रोविज़न रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको एड्रीनो 630 GPU मिलेगा। और गेमिंग में दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको हीटिंग इश्यूज में नहीं आने वाला। 8 GB की रैम है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है दोस्तों 128 GB का है, जो कि मेरे को रिव्यू के लिए दिया गया है। और मेरे को उम्मीद है कि कंपनी 256 GB का वेरिएंट भी इंडिया की मार्केट में उतारेगी, लेकिन क्योंकि ये मैं वीडियो पहले शूट कर रहा हूँ लॉन्च से पहले, तो इसका मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या 256 GB वाला वेरियंट भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आएगा। और एक चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो एक्सटेंडेबल नहीं है, लेकिन 128 GB हो या 256 GB हो, ये काफ़ी सफिशेंट होगा आपके लिए। और इसमें दोस्तों बहुत ही पावरफुल 4000 mAh की दोस्तों इसमें बैटरी दी गई है। और बैटरी का दोस्तों जहाँ तक बात करें तो बैटरी इसमें काफ़ी पावरफुल बैटरी है, और ये दोस्तों आपको मिलेगी 20 वाट चार्जिंग के साथ। ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। और
जहाँ तक दोस्तों बात करें कैमरा की, तो दोस्तों कैमरा इसमें बहुत पावरफुल कैमरा लगाए गए हैं, और जो वीवो वैसे भी दोस्तों अपने एक अच्छे कैमरास के लिए माना जाता है, और वीवो ने फुल जस्टिफिकेशन किया है इसमें। जहाँ तक कैमरा की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको दो कैमरा मिलेंगे रियर में। 20 मेगापिक्सल का दोस्तों प्राइमरी कैमरा है विद डुअल कोर पिक्सल एंड डुअल टोन एलईडी फ्लैश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें सोनी IMX363 का सेंसर लगा हुआ है, और ये फोर एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। इसमें F1.8 का अपर्चर है, और जो दोस्तों सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है विद F2.4 अपर्चर फॉर प्रोवाइडिंग डेप्थ इंफॉर्मेशन। और जहाँ तक दोस्तों बात करें कैमरा की, तो इसमें आपको कई मोड मिलेंगे। प्रोफेशनल मोड मिलेगा, पैनोरोमा, फेस ब्यूटी फॉर फ्रंट कैमरा, और एआर स्टिकर्स भी मिलेंगे इसमें फ्रंट कैमरा के लिए। और दोस्तों जहाँ तक बात करें कैमरा की, तो आपको दोस्तों इसमें पोर्ट्रेट बोके इफेक्ट मिलेगा। सिर्फ आपको ये बटन प्रेस करना है, और आपको लाइव फोटो का भी ऑप्शन है, HDR का ऑप्शन भी है। तो दोस्तों जहाँ तक कैमरा की बात करें, कैमरा बहुत पावरफुल है। अभी मैं आपको दोस्तों कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगा जो कि मैंने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में खींची है। और जहाँ तक दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, जो कि पॉपअप कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का दोस्तों ये कैमरा है फ्रंट का, F2.0 अपर्चर के साथ। और जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके पॉपअप कैमरा की, तो मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि कैसे कैमरा ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। ये देखिए बहुत ही फास्ट है दोस्तों ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये वीवो क्लेम भी करता है कि इसको उन्होंने थॉरली टेस्ट किया है, और ये जो मोटर है, माइक्रो स्टेपिंग मोटर है, इसको बहुत थॉरली टेस्ट किया गया है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन जब वीवो क्लेम कर रहे हैं तो इस बात में कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। तो ये तो दोस्तों बात हुई इसके कैमरा की। अब मैं आपको दोस्तों कुछ इसके फ्रंट कैमरा से ही, देखिए ये मेरे कुलीग ने सेल्फ़ी खींची है, बहुत क्लियर सेल्फी है दोस्तों। ये दोस्तों डे लाइट में कुछ फोटोग्राफी की गई है, इस पर देखिए कितना क्लियर है दोस्तों। और मैं दोस्तों अभी जब बारिश हुई थी तो मैंने ये एक इमेज खींची थी, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये देखिए। अब ये देखिए दोस्तों इसमें जो बारिश के जो ड्रॉप्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो इससे क्लैरिटी मेरे ख्याल से दोस्तों आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एक स्मार्टफोन कैमरा से। तो स्मार्टफोन कैमरा की दोस्तों जहाँ तक बात करें, तो वीवो इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल इन देयर कैमरास, और इसमें भी बहुत अच्छा इन्होंने इसका यूज़ किया है। और दोस्तों जहाँ तक बात करें इसके और फीचर की, तो इसमें दोस्तों जो आपको लेटेस्ट इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, और ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा फीचर है कि इसमें ये जो फ़ोन चलता है, एक बारी मैं आपको फिर इसमें सेटिंग में लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए ये इसमें आपको एंड्रॉयड वर्शन दोस्तों मिलेगा 8.10, और इसका दोस्तों सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है July 2018 का। ये बहुत बड़ा फीचर है, और फ्रंट टच OS इसके ऊपर इसकी लेयर दी गई है विच इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड ओरियो 8.10। और ये दोस्तों ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। और जो दोस्तों आपको शायद एक चीज़ में दिक्कत आ सकती है कि साइज़ इस फ़ोन का बहुत बड़ा है, सिंगल हैंड ऑपरेशन आपको थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। अदरवाइज़ दोस्तों फ़ोन दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ग्लैमरस फ़ोन लग रहा है, और बहुत इनोवेटिव फीचर्स के साथ आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, अच्छी तरह काम करता है। हालांकि मैंने इसको अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है फ़ोन को, लेकिन मेरा शॉर्ट यूसेज में ये कहता है कि ये एक अच्छा फीचर है। और कैमराज इसके बहुत इफ़ेक्टिव हैं, चाहे वो रियर कैमरा हो चाहे वो फ्रंट कैमरा हो। और जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके बैटरी की, तो बैटरी 4000 mAh की बैटरी दी गई है विद फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों जो इसमें एक और जो बहुत बड़ा फीचर इसमें डाला गया है कि ये जो इसकी स्क्रीन है दोस्तों, ये स्क्रीन साउंड कास्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और इसका दोस्तों मैं अभी इसको मैं
इसका मैं एनालाइज कर रहा हूँ इसको, और ये जो जो ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये स्क्रीन को टर्न कर देती है इनटू स्पीकर, ताकि आपको एक अच्छी ऑडियो आउटपुट मिल सके। तो दोस्तों इन सब फीचर्स को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये वीवो का बहुत बड़ा जंप है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैगशिप फ़ोन है वीवो का, वीवो नेक्स। जहाँ तक दोस्तों प्राइस की बात करें, तो इस वीडियो को शूट करने के टाइम पे दोस्तों मेरे को इसका प्राइस नहीं मालूम है, और मेरे को उम्मीद है कि ये इन द रेंज ऑफ 45,000 to 48,000 रुपीज़ इंडिया की मार्केट में लॉन्च होगा। इसके बारे में दोस्तों मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा 19 जुलाई को, जब ये फ़ोन ऑफिशली लॉन्च हो जाएगा, फिर मैं दोस्तों कुछ इसकी प्राइस के बारे में वर्सेस विज़ाविज़ इसके फीचर्स के बारे में एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techform.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।